Myself, Mohammad Salman. I'm working here as a technical consultant. Today we are going to learn अंडरस्टैंडिंग ई बुक्स टाइप्स एंड इट्स पॉसिबिलिटीज। तो जो पहले बार हम देखते हैं कि ई बुक्स क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन जब हम ई बुक की बात करते हैं तो ई बुक क्या है, किस तरह की बुक्स हैं। बुक्स का रिगार्डिंग तो हमें प्रिंटेड टेक्स्ट बुक तो हम लोगों को पता है, लेकिन ई बुक क्या है। ई बुक्स वो हैं वो बुक्स जो इलेक्ट्रॉनिकली हमारे पास अवेलेबल रहती हैं, जिनको हम इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनेट पर, टैबलेट्स, इंटरनेट के थ्रू टैबलेट्स, कंप्यूटर्स, ई रीडर्स, स्मार्टफोन्स पर यूज कर सकते हैं। जो हमारे लिए इंटरनेट पर अवेलेबल रहने वाली बुक्स को ई बुक्स कहला जाता है। इट स्टैंड फॉर द इलेक्ट्रॉनिक बुक्स। नेक्स्ट स्लाइड है बेनिफिट्स ऑफ द ई बुक। सबसे पहले एग्जाम्पल है इसका पोर्टेबिलिटी। सबसे पहला बेनिफिट है इसका पोर्टेबिलिटी। कोई भी बुक अगर एक बार अपने इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट कर लिया है तो हम उसको किसी भी जगह पर यूज कर सकते हैं, मल्टीपल डिवाइस पर यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम टैबलेट्स पे यूज कर सकते हैं उसको, इंटरनेट पर, मोबाइल पे यूज कर सकते हैं, मल्टीपल डिवाइसेस पे यूज कर सकते हैं, लैपटॉप पे यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी, एक बार अगर कोई भी बुक एक बार जनरेट हो गई है और उसको इंटरनेट पर हमने अपलोड कर दिया तो उसको मल्टीपल यूजर्स विदाउट एनी कॉस्ट यूज कर सकते हैं। जब अगर वो फ्रीली अवेलेबल है हम डायरेक्ट उसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसको पे करके विदाउट प्रिंटिंग को कैरी कर सकते हैं। एक बार डाउनलोड किया, मिनिमम साइज में आपको बुक्स मिल जाती हैं, 200 KBs, MBs, 5 MBs के साइज में अवेलेबल रहती हैं। द नेक्स्ट ऑप्शन है इंटरएक्टिविटी। इंटरएक्टिविटी, जिन बुक्स के साथ हम इलेक्ट्रॉनिकली बुक्स में हम क्वीज ऐड कर सकते हैं, गेम्स बना सकते हैं, ऑडियो एम्बेड कर सकते हैं, वीडियो एम्बेड कर सकते हैं, बच्चों को असेसमेंट दे सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है सुटेबिलिटी। सुटेबिलिटी, हम इनको जूम इन कर सकते हैं। जब हम रीडिंग कैपेबिलिटी यूज करते हैं, रीडिंग फैसिलिटी यूज करते हैं तो हम इसको जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, एंकर टेप यूज कर सकते हैं, और किसी भी कीवर्ड को टाइप करके हम सर्च कर सकते हैं और टेक्स्ट टू स्पीच का यूज कर सकते हैं। इसका फिफ्थ पॉइंट है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी, एक बार अगर ई बुक बन गया है तो इसमें हम लोग इसको प्रिंटिंग पेज ट्रीज का, नंबर ऑफ ट्रीज पेपर का यूज खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे एनवायरमेंट को फायदा होता है, नंबर ऑफ ट्रीज हमारे बच जाते हैं। और एक ही बुक को जितनी बार भी आप शेयर करोगे उसका फॉर्मेट में कोई चेंजेस नहीं आता है, वो इजीली अवेलेबल हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द ई बुक्स। हम कितने तरह की ई बुक यूज करते हैं, आप टुडे मार्केट में कितने तरीके की चल रही हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है पीडीएफ ई बुक्स, यानी कि वो बुक्स जो हूबहू पीडीएफ, जो प्रिंटेड टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग दिखने वाली बुक्स को पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जो कि हमारा इंटरनेट पर अवेलेबल रहती हैं, उनको पीडीएफ कहा जाता है। ये बिल्कुल सेम उसी लेआउट में आपको मिल जाएंगी इंटरनेट पर, जिस लेआउट में वो प्रिंट हुई है। नेक्स्ट है ई बुक्स ईपब वाला, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन। ईपब का मतलब इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन है, जो कि बहुत वाइडली यूज हो रहा है आज के जमाने में। सबसे ज्यादा यूज होने वाला ई बुक्स ईपब कहलाता है। ये हमें ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल चीजें देता है, फ्लेक्सिबल होता है, रिफ्लोएबल कंटेंट्स होते हैं इसके। हम किसी भी स्क्रीन पे इसको ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका स्क्रीन साइज कैप्चर कर लेता है, हमको जरूरत नहीं पड़ती है इसको जूम इन जूम आउट करने के लिए। वो हम उसको जब इसका बनाने के लिए हमें HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, और कास्केड स्टाइल शीट यानी कि CSS, जो कि हमारे लिए डिजाइन का यूज करती हैं। जब हम उसको दोनों को कॉम्बिनेशन को एक साथ सिंक कर लेते हैं तो हमारा ईपब बन जाता है, जिसमें हम टेक्स्ट को डिजाइन करते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसी में हम लोगों को ईपब फैसिलिटी देता है कि हम उसमें गेम्स एम्बेड कर सकें और
क्विज़ एम्बेड कर सकें और बहुत सारे फीचर्स हैं, आगे हम इस पे बात करेंगे। नेक्स्ट फीचर, नेक्स्ट टाइप है मोबी ई बुक्स, मोबी पॉकेट, इसका फुल फॉर्म है मोबी पॉकेट। ये भी एक ई बुक्स है जो अमेजोन किंडल डिवाइस पर ओपन होती है। इसका ज़्यादातर कमर्शियल ई बुक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अमेजोन किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग KDP प्लेटफॉर्म पर ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। द फोर्थ पॉइंट है इंटरेक्टिव ई बुक्स, वो ई बुक्स जिनके साथ हम लोग ऑडियो वीडियो इंटरेक्टिव ग्राफिक्स यूज कर सकते हैं और उसको और ज़्यादा लुक एंड फील उसका बेटर बना सकते हैं, तो इस तरह की बुक्स को हम इंटरेक्टिव ई बुक्स कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है एनहेंस्ड ई बुक्स। एनहेंस्ड ई बुक्स ट्रेडिशनली बुक्स के अकॉर्डिंग जैसे कि प्रिंटेड टेक्स्ट बुक होती हैं, सेम उसी तरीके से होता है, लेकिन उसमें मल्टीमीडिया एलिमेंट्स हम ऐड कर देते हैं, जैसे कि किसी भी सेक्शंस में किसी भी होवर लगाने के बाद जैसे कि हम कर्सर उसके ऊपर लेके जाएंगे तो ऑडियो, हम उसमें ऑडियो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ऑडियो ऐड कर सकते हैं, वीडियो ऐड कर सकते हैं। जैसे ही हम किसी पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे वहां पे हमने एक ऑडियो का सिंबल दे दिया, जैसे ही वो क्लिक करेगा तो वो ऑटोमेटिकली वहां पे जो भी ऑडियो हमने उस पे वो प्ले हो जाएगा। वीडियो, हम इंटरेक्टिव वीडियो भी बना सकते हैं बच्चों के लिए। तो जब ये सारा एनकैप्सुलेट एक बुक के साथ होता है तो इस तरह की बुक्स को इनहेंस्ड ई बुक्स कहा जाता है। द नंबर सिक्स है फिक्स लेआउट ई बुक्स। फिक्स लेआउट ई बुक्स बिल्कुल प्रिंटेड टेक्स्ट बुक की तरह ही दिखने वाली बुक्स होती हैं, लेकिन ये बच्चों के लिए यूज होने वाली बुक्स होती हैं, जैसे कि कॉमिक बुक्स हो गया, ये वो बुक्स होती हैं जिसमें बहुत ज्यादा ग्राफिक यूज किया गया है, जिसकी लेआउट को हम छेड़ नहीं सकते हैं बिल्कुल हूबहू। जिस तरीके से प्रिंटेड टेक्स्ट बुक चलती है उसी तरीके से फिक्स लेआउट की बुक्स को हम इंटरनेट पर देख सकते हैं और इसीलिए उनको फिक्स लेआउट ई बुक्स कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड, एनसीईआरटी जो है वो तीन तरह की ई बुक्स को यूज करता है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट यानी कि PDF हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा ईपब, हेलो हेलो आलोक शर्मा जी, दूसरा दूसरा ऑप्शंस है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन यानी कि ईपब, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा ऑप्शन है फ्लिप बुक, फ्लिप बुक हम बाद में यूज करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये तीन तरह की बुक एनसीईआरटी यूज करता है। जो नेक्स्ट स्लाइड्स, हाँ, अब PDF वर्जन्स की बुक्स कहाँ पे मिलेंगी? PDF वर्जन्स की बुक हम लोगों का ncrt.nic.in पर आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। दीक्षा पोर्टल पर हम लोगों का ई बुक्स मिलेंगी, ई रिसोर्सेज मिलेंगे विद एनर्जाइज टेक्स्ट बुक के साथ। इसका URL है http://diksha.gov.in:index.html। ई पाठशाला पोर्टल्स पर आपको ई पाठशाला वेबसाइट और ई पाठशाला मोबाइल ऐप हम लोगों की दोनों अवेलेबल हैं। ई पाठशाला वेबसाइट्स पर हम लोग फ्लिप बुक यूज करते हैं, जबकि ई पाठशाला मोबाइल ऐप पर हम लोग ईपब यूज करते हैं। आप डायरेक्टली इन इन तीनों दोनों को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये दोनों गूगल प्ले, दीक्षा एंड ई पाठशाला मोबाइल ऐप आर अवेलेबल ऑन द गूगल प्ले स्टोर्स, यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। नेक्स्ट स्लाइड इज व्हाट इज डिजिटाइजेशन ऑफ द टेक्स्ट बुक, एक नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, जिसमें डिजिटाइजेशन वो बुक्स जो प्रिंटेड टेक्स्ट बुक को हम जिस कन्वर्जन प्रोसेस में जब इलेक्ट्रॉनिकली उसको डेवलप करते हैं तो उस प्रोसेस, उस पूरे कंप्लीट प्रोसेस को डिजिटाइजेशन ऑफ द टेक्स्ट बुक कहा जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज फ्लिप बुक, फ्लिप बुक सेम सिमिलरली प्रिंटेड टेक्स्ट बुक की तरह हमको लुक एंड फील देता है। जब हम इसको टर्न करते हैं तो इसमें साउंड इफेक्ट्स आते हैं, बिल्कुल हूबहू आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि आप रीडिंग बुक को अपने हाथ में लेके पढ़ रहे हो, ये फ्लिप बुक कहलाया जाता है। ये HTML5 के यूज किया जाता है, पूरा पैकेज इसके अंदर इनबिल्ड होता है HTML5 का, जिसमें CSS। हम लोग बेसिकली दो तरह के फ्लिप बुक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, एक तो फ्लो पेपर यूज करते हैं और दूसरा PDF प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर यूज करते हैं फ्लिप बुक क्रिएट करने के लिए, जो कि हमारा नॉर्मली PDF से हम उस सॉफ्टवेयर पे इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट करने के बाद उस सॉफ्टवेयर का यूज करने के बाद वो हमें फ्लिप बुक जनरेट करके दे देता है। EPUB 3, व्हाट इज EPUB 3? EPUB इज फुल फॉर्म इज इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन। 2011 में इंटरनेशनल डिजिटल पब्लिक फॉर्म पब्लिशिंग फॉरम ने इसको इंट्रोड्यूस किया था।
जिसमें ये वर्जन 1 के साथ इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन जैसे जैसे इसमें फीचर्स ऐड होते गए तो इसके वर्जन अपग्रेड होते गए। फिलहाल एनसीईआरटी ईपब 3 को यूज कर रहा है। इसमें बहुत सारी फीचर्स एक्स्ट्रा हैं, जो कि रिफ्लोएबल कंटेंट हम लोगों को प्रोवाइड कराता है, ऑटो एडजस्टेबल टेक्स्ट प्रोवाइड कराता है, मल्टीमीडिया कंटेंट हम इस लोगों के साथ ऐड कर इसके साथ ऐड कर सकते हैं, बच्चों को क्विजीज को प्ले करवा सकते हैं, हाइपरलिंक्स हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। व्हाई डू वी नीड ईपब? सबसे पहले तो सबसे पहला पॉइंट है क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेटेबिलिटी, कि अगर किसी भी मोबाइल ऐप या किसी भी कंप्यूटर पे हम लोगों ने एक बार ईपब को क्रिएट कर दिया, तो अब हम किसी भी एक बार कंप्लीट ईपब जब एक्सपोर्ट कर देंगे हम ईपब को डॉट ईपब फाइल्स को, तो हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर उसको ओपन कर सकते हैं। वो ये ओएस के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है उसकी। टैबलेट्स के ऊपर हम ओपन कर सकते हैं उसको, स्मार्टफोन्स पे हम ओपन कर सकते हैं, कंप्यूटर्स पे हम उसको ओपन कर सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट ओएस पे हम उसको ओपन कर सकते हैं। लिनक्स पे भी हम यूज कर लेंगे, हम विंडोज पर भी उसका यूज कर लेंगे, मैक पर भी हम उसका यूज कर लेते हैं, तो कोई फाउंडेशन नहीं है। दूसरा पॉइंट आता है रिफ्लोएबल कंटेंट। जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया है कि रिफ्लोएबल कंटेंट क्या होता है, वो कंटेंट जो जिसमें पेजेस काउंट नहीं होते, वो कंटेंट कॉन्टिन्यूसली रिफ्लो करता रहता है विदाउट ब्लरिंग। वो कभी भी अब आपको पिक्सलेट नहीं होगा, फॉन्ट साइजेस उसमें खराब नहीं होंगे, पिक्सलेट नहीं होंगे, टेक्स्ट फटेगा नहीं। तो ये सारी चीजें हैं रिफ्लोएबल कंटेंट के अंदर आता है, जो कि ऑटोमेटिकली हम लोग जब जिसको डिजाइन करते हैं ईपब को, सीएसएस में हम उसका फॉन्ट साइज डिसाइड कर देते हैं कि 100% साइज पे ओपन होगा। अब वो जिस भी बुक्स पर जाके, जिस भी डिवाइस पर जाके वो ओपन होगी वो फाइल ईपब की, वो ऑटोमेटिकली उसका 100% फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेगी, अचीव कर लेगी। लैंडस्केप पे हम इसको चला सकते हैं, पोर्ट्रेट पे हम इसको चला सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता रहेगा आपकी स्क्रीन के अकॉर्डिंग। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है इंटरेक्टिव फीचर्स। इसके अंदर हम क्विजीज ऐड कर सकते हैं, इंटरेक्टिव एक्सरसाइज दे सकते हैं, ऑडियो और वीडियो हम ऐड कर देंगे। इसके अलावा लूमी के थ्रू H5P कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, बच्चों का असेसमेंट का क्विज फॉर्म भी ऐड कर सकते हैं। गूगल फॉर्म को अगर हमने बच्चों को असेसमेंट करना है, तो हम गूगल फॉर्म का लिंक देने के बाद भी बच्चों को हम एग्जाम करा सकते हैं इसके थ्रू। एक्सेसिबिलिटी, अब एक्सेसिबिलिटी में भी एडजस्टेबल फॉन्ट साइज होता है, टेक्स्ट टू स्पीच फंक्शनलिटी, जो बच्चे पढ़ नहीं सकते उन बच्चों के लिए, इसमें एक खास बात यह है कि वो बच्चे उसको टेक्स्ट को हम इसमें एक फीचर्स होता है टेक्स्ट टू स्पीच, वो क्योंकि उसमें हर विंडोज में आजकल वो इनबिल्ड होता है, जैसे ही हम उसको टेक्स्ट टू स्पीच क्लिक करेंगे तो वो हमारे टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली पढ़ना स्टार्ट कर देगा। तो जिस बच्चे को दिख नहीं रहा है या जो देख नहीं पा रहा है, तो वो उसको सुनकर भी कंप्लीट कर सकता है। हम इमेजेस इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कोई इमेज है, इमेज को किस तरीके से डिस्क्राइब करना है, अगर किसी को इमेज दिख नहीं रही है तो हम उसको अल्टरनेटिव टेक्स्ट उसमें दे सकते हैं कि वो इमेज का डिस्क्रिप्शन दे देंगे कि एक सीनरी है, ये जो अभी हमारी स्क्रीन पे चल रहा है, एक पहाड़ का है, एक झरने का डिजाइन दिया हुआ है जहाँ पे पानी गिर रहा है, जिस तरीके से हम ऑडियो में उसको दिखाना चाहेंगे वो बच्चों के लिए अवेलेबल हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है एनहेंस डिजाइन एंड स्टाइलिंग। हम अपने अकॉर्डिंग इसमें ईपब, क्योंकि हम लोगों को कस्टमाइज की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ईपब, जो कि सीएसएस है। आप इसको W3 स्कूल से इसके पूरे ट्यूटोरियल्स हैं, आप पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से किसी भी वेबसाइट को, वेब पेज को या ईपब को किस तरीके से डिजाइन किया जाता है। उसमें हेडिंग्स आपको मिलेंगी, उसमें डिजाइन आपको मिलेंगे, लेआउट किस तरीके से रखना है, वो पूरा W3 स्कूल्स और बाकी ऑनलाइन लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, जहाँ से आप सीएसएस और एचटीएमएल को पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें स्टाइल हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि HTML5 हमें एक बेसिक फाउंडेशन देता है, सिर्फ जैसे कि एक बेसिक फाउंडेशन, उसको स्टाइलिंग देने का काम जो करती है वो हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कास्केड स्टाइल शीट, जिसको आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ट्यूटोरियल यूट्यूब पर भी बहुत ट्यूटोरियल अवेलेबल है। सिक्स पॉइंट आता है हमारे डायनामिक अपडेट्स एंड द रिविजन्स। माने कि हमारी कोई एक बुक है जो कंप्लीट एक बार बन चुकी है, और कंप्लीट हम उसको ईपब कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन नेक्स्ट सेशन में उसमें कोई लाइन चेंज हुई है, कोई कंटेंट चेंज हुआ है, तो हमको पूरी बुक को रिप्रिंट करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ उस लाइन को, उस पर्टिकुलर पैराग्राफ को उस बुक से रिमूव कर लेंगे या फिर चेंज कर देंगे, और वो हमारा एकदम न्यू रिलीज बुक्स हमें मिल जाएगी। सिर्फ जस्ट एन सिंगल लाइन या वो चेंज जो पैराग्राफ होगा उसको चेंज करने के बाद हम उसको रिमूव कर देंगे और उसको ऐड कर लेंगे, और उसको एक्सपोर्ट करने के बाद हमें एक कंप्लीट
ईपब फाइल न्यूली अपडेटेड कंटेंट के साथ न्यूली ईपब फाइल मिल जाएगी। नेक्स्ट है कॉस्ट इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार ईपब बन गया आप उसको कितने ही लोगों के साथ शेयर कर लीजिएगा, कोई पैसा नहीं, कोई प्रिंटिंग कॉस्ट नहीं है, डायरेक्ट आप ऑनलाइन शेयर कीजिएगा, इंटरनेट पर से डाउनलोड कर लीजिएगा या किसी को भी दे दीजिएगा, और जस्ट शेयर करने की देर है और वो उसके पास पहुंच जाएगा। एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, सबसे बेसिक पॉइंट है कि एनवायरमेंट को फायदा बहुत हुआ, जैसे जब इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन इलेक्ट्रॉनिक बुक्स हमारे पास अवेलेबल हुई तो उसमें ये हुआ कि पेपर कटिंग हमारी बच गई है, पेड़ पेड़ों का कटना कटान खत्म हो गया है, कि इलेक्ट्रॉनिकली आप एक बार बुक जनरेट करो जिसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, पेड़ का पेपर की कोई जरूरत ही नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की कोई जरूरत नहीं है जिससे पॉल्यूशन कंट्रोल होता है, शिपिंग में कोई दिक्कत नहीं है, रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट्स एसोसिएटेड, पब्लिशिंग इंडस्ट्री का, और बहुत सारे ऐसे फीचर्स अवेलेबल हैं जो एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं ईपब यूज करने के लिए। हमारा की डिफरेंस नेक्स्ट स्लाइड में है, हमारा की डिफरेंस इज बिटवीन द ईपब एंड द पीडीएफ। हाँ, पहला क्वेश्चन जब रेज होता है कि भाई हम तो पीडीएफ यूज कर रहे हैं, हम ईपब क्यों बनाएं, इतना प्रोग्रामिंग क्यों सीखें जिसमें हमें एचटीएमएल सीखना पड़ेगा, हमें सीएसएस सीखना पड़ेगा, जबकि पीडीएफ क्या है, हम जस्ट एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करने के बाद हमारा डॉक्यूमेंट ऑनलाइन आ जाता है। लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं जो मैं डिस्क्राइब हम लोग डिफरेंस से देख रहे हैं। कंटेंट रिफ्लो एबिलिटी, पीडीएफ जो है वो फिक्स लेआउट के साथ आता है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, जबकि ईपब जो है हमारे स्क्रीन के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है इंटरएक्टिविटी एंड मल्टीमीडिया, हम ईपब के साथ ऑडियो ऐड कर सकते हैं, वीडियो ऐड कर सकते हैं, इंटरएक्टिव क्विजेस दे सकते हैं, एम्बेडेड स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, हाइपरलिंक्स प्रोवाइड कर सकते हैं, जबकि पीडीएफ जो है उन पे हाइपरलिंक्स तो आजकल चलने लगे हैं, एक न्यू फीचर ऐड हुआ है, लेकिन बाकी हम ऑडियो एंड वीडियो उसमें लिंक नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट एक्सेसिबिलिटी फीचर्स, एक्सेसिबिलिटी फीचर्स नेक्स्ट आता है जिसमें कि हम लोग टेक्स्ट टू स्पीच का फीचर्स यूज कर सकते हैं, और इसके अलावा अल्टरनेटिव टेक्स्ट का यूज करते हैं, अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो कि किसी भी इमेज को डिस्क्राइब करता है। एक्सेसिबिलिटी फीचर्स अल्टरनेटिव टेक्स्ट देता है हम लोगों को इमेजेस के लिए, ताकि किसी जो बच्चा देख नहीं पाता तो उसको बच्चे को हमको इमेज को डिस्क्राइब करना है कि फिलहाल हम किस कंटेंट पे किस तरह की इमेज देख रहे हैं, जबकि पीडीएफ ऐसा कोई फैसिलिटी हम लोगों को प्रोवाइड नहीं करता है। लेआउट एंड डिजाइन, हम लेआउट भी ईपब के अंदर हमें एक फैसिलिटी मिलती है जहाँ हम उसके लेआउट चेंज कर सकते हैं, डिजाइन भी चेंज कर सकते हैं, उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, जबकि पीडीएफ का में जैसा ही हूबहू प्रिंटेड टेक्स्ट बुक में होता है वैसे ही हमको पीडीएफ में दिखाना होता है और वो चेंज भी नहीं हो पाता। डिवाइस कंपेटेबिलिटी, जैसे कि हम लोगों ने कहा पहले से डिस्कस किया है, ईपब फाइल्स आर डिजाइन टू बी कंपेटेबल विद अ वाइड रेंज ऑफ द डिवाइसेस, हम इसको ई रीडर्स पे भी यूज कर सकते हैं, किंडल वर्जन पे भी यूज कर सकते हैं, टैबलेट्स पर भी यूज कर सकते हैं, स्मार्टफोन्स पर, कहीं भी वो कोई भी कंटेंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, फॉन्ट साइज आप उसकी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो और फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हो, हाइपरलिंक्स चेंज कर सकते हो, जबकि पीडीएफ बिल्कुल फिक्स लेआउट के साथ आपको मिलेगा। एडिटिंग एंड ऑथरिंग, अगर आपको पीडीएफ को क्रिएट करना है तो आपको पूरा बकायदा फर्स्ट स्क्रैच से फिर से एक पीडीएफ जनरेट करनी पड़ेगी, जबकि ईपब में आप उस पर्टिकुलर लाइन या उस पर्टिकुलर पैराग्राफ को रिमूव कर देंगे और उसको सेव कर देंगे तो वो हमारा न्यूली जनरेटेड ईबुक्स हो जाएगा विद द अपडेटेड कंटेंट। हम सीजीएल सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ईपब बनाने के लिए, ये फ्री है और ओपन सोर्स है, आप इसको डायरेक्ट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह का एक सिंबल, इसका जो एस लिखा हुआ है ये सीजिल सॉफ्टवेयर को इम्पोज्ड है, ये सीजिल सॉफ्टवेयर का सिंबल है, आप इसको डायरेक्टली इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर भी जब ऐसा आइकन मिलेगा आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर इसके बाद इसका लेआउट, यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस जब हम इसको ओपन करेंगे इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद जब फर्स्टली हम ओपन करेंगे तो हमें इस तरह का लेआउट दिखाई देगा। ये हम लोगों ने एक बुक इसमें इम्पोर्ट की हुई है, डाउन द रैबिट होल चैप्टर वन, ये सबसे पहले जो ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है इसके मेन्यूज हैं जहां से हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, जो हमें फैसिलिटी देता है कस्टमाइज करने के लिए। एच रिप्रेजेंट करता है हेडिंग्स को, बी रिप्रेजेंट करता है बोल्ड को, आई रिप्रेजेंट करता है इटैलिक को, यू
अंडरलाइन को एंड एस एंड क्रॉस, ये स्ट्राइक थ्रो का सिंबल है। ए टू सबस्क्रिप्ट का यूज करता है और ए स्क्वायर सुपर स्क्रिप्ट एंड अलाइनमेंट भी सेम वर्ड डॉक्यूमेंट्स के तरह ही इसने अपने अंदर फीचर्स प्रोवाइड किए हुए हैं। अब जस्टिफिकेशन, लाइन इंडेंट, बुलेट्स, बहुत सारे फीचर्स इसमें आप ऐड कर सकते हैं। टॉप राइट लेफ्ट कॉर्नर पर आपको चार कॉलम्स मिलेंगे जहां बुक ब्राउजर लिखा हुआ है। बुक ब्राउजर में पांच फोल्डर दिए हुए हैं। सबसे पहला फोल्डर जो है टेक्स्ट लिखा हुआ है। जब टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर हम लोगों का HTML फाइल एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ये EPUB सिजिल सॉफ्टवेयर। वो हमारे सारे सारी फाइल्स को ऑटोमेटिक बाई एक्सटेंशन आइडेंटिफाई करके उसको डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स में अपने आप ही सेपरेट कर देता है। जितनी भी टेक्स्ट फाइल होंगी यहाँ पे सारी फाइल्स हमारी HTML और XHTML की रखी जाएंगी। इसके बाद स्टाइल्स का एक फोल्डर आता है। यहाँ पर हम अपना जो भी स्टाइल देंगे, जो भी कस्टम स्टाइल करेंगे हम लोग, यहाँ पर हमारी स्टाइल्स फाइल आएगी डॉट स्टाइल शीट के साथ। यहाँ पर इमेजेस फोल्डर है, इसमें सारी इमेजेस कंटेन स्टोर होंगी। फॉन्ट्स में फॉन्ट्स रखा जाएगा। ऑडियो फाइल्स में सारी ऑडियोज आएंगी और वीडियो फाइल में सारी वीडियोज आ जाएंगी। और जो कंटेंट इनसे अलग होगा वो सब मिसलेनियस कंटेंट्स में फोल्डर्स में आएगा। ये हमारा कोड व्यू है जो बीच में ये दिख रहा है, कवर डॉट एक्स चैप्टर अंडर स्कोर एवन डॉट HTML। ये हमारा कोड व्यू है। यहाँ पे जाके हमको थोड़ा कोडिंग करना होता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ पैराग्राफ टैग क्लास हेडिंग वन चैप्टर वन डॉट पी, तो इस तरीके से यहाँ पे हमें कोडिंग बताना पड़ेगा कि उसको कि हमारे इस कंटेंट को आप हेडिंग बना दीजिए, इस कंटेंट को आप पैराग्राफ बना दीजिए, इस कंटेंट को आप बॉक्स बना दीजिएगा। ये हमको तब पता चलेगा जब हमको बेसिक नॉलेज होगा CSS का और HTML पैराग्राफ्स में टैग्स किस तरह से यूज करते हैं। आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं इसको। इसके बाद इसका ये प्रीव्यू जब हम इसको पूरा चेंज कर देंगे कोड व्यू में जाके, तो फिर हमारा इस तरह का प्रीव्यू दिखाई देने लगेगा। वो सारा कोड व्यू को कट करके सिर्फ हमारा जो ओरिजिनल टेक्स्ट होगा वही दिखेगा और उसको हमने किस तरीके से डिजाइन किया गया है वो दिखेगा। जैसे कि चैप्टर वन हेडिंग बन चुका है एंड उसके बाद दूसरा है डाउन द रैबिट होल, ये सेकेंड हेडिंग हो गया है। इसके बाद ये एलिस वाज बिगनिंग टू गेट वेरी टायर्ड ऑफ सिटिंग बाय हर सिस्टर ऑन द बैंक, ये हमारा पैराग्राफ्स हो गए हैं। फिर ये इसके बाद इमेज है। इसी के नीचे फिर फर्दर आप ऐड करते चले जाएंगे, मल्टीपल इमेजेस इंपोर्ट कर सकते हैं, मल्टीपल ऑडियो फाइल्स आप ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल वीडियोस फाइल आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एनर्जाइज टेक्स्ट बुक। एनर्जाइज टेक्स्ट बुक वो बुक्स होती हैं जो कि बहुत सारे कंटेंट्स के साथ मैप्ड होती हैं एक सिंगल बुक। तो जैसे हम QR कोड के थ्रू हम उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, जैसे ही हम QR कोड को स्कैन करते हैं तो उस बुक के साथ बहुत सारी फैसिलिटीज वहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। जैसे कि हमारे क्विजीज होंगे, इंटरेक्टिव क्विजीज होंगे, साइमुलेशंस होंगे, मल्टीमीडिया चीज़ें होंगी, ऑडियोज होंगी, वीडियोज होंगी। तो जो जिस बुक के साथ इतने सारे मल्टीपल रिसोर्सेज को ऐड कर दिया जाता है तो उस बुक को हम ये एनर्जाइज टेक्स्ट बुक कहते हैं। QR कोड, क्विक रेस्पॉन्स कोड, QR कोड इज ए टू डायमेंशनल बार कोड दैट्स रीडेबल बाय द स्मार्टफोन। एक QR कोड आपने देखा ही होगा, QR कोड वो QR कोड जिसके जिसके पीछे एक URL छिपा हुआ होता है। जैसे ही हम अपने मोबाइल फोन या स्मार्टफोन से उसको स्कैन करते हैं तो वो उसके बैकग्राउंड एक मैकेनिज्म एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के थ्रू वो वर्क करता है। वो जैसे ही अपने ब्राउजर पर हिट करेगा वो सर्च करने लगता है उसमें कि ये किस जगह का एड्रेस है। ये बेसिकली आप इस तरीके से समझिएगा कि QR कोड एक एड्रेस है किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट्स का, किसी पर्टिकुलर URL का। जैसे ही हम उसको स्कैन करते हैं तो हमारा स्मार्टफोन ढूंढने लगता है ये किस एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ही वो उस एड्रेस को आइडेंटिफाई कर लेता है वो ऑटोमेटिकली हम लोगों को उस एड्रेस पर रिडायरेक्ट कर देता है। तो QR कोड का इतना ही रोल है। ये जिस तरीके से हम लोगों का ये हमारी दीक्षा का एक कंटेंट है केमिस्ट्री बुक का, ये इस तरह का QR कोड हम लोगों का है जिसमें इस सिंगल QR कोड से हम लोगों ने मल्टीपल रिसोर्सेज को मैप किया हुआ है। जब हम इसको स्कैन करेंगे तो हमें epaathshala.nic.in पे रिडायरेक्ट कर देगा जहाँ पे मल्टीपल रिसोर्सेज अवेलेबल्स हैं। जैसे कि हम ऑडियो फाइल्स भी वहाँ पे हम लोगों को मिल जाएंगी, वीडियो फाइल्स भी उस पर्टिकुलर चैप्टर्स की मिल जाएगी और क्विजीज भी आपको मिल जाएंगे।
और जितना भी कंटेंट एनसीईआरटी में बनता है हम कोशिश कर रहे हैं कि सारा एक ही क्यूआर कोड के साथ मैप कर रहे हैं, लगातार टेक्निकल टीम इस पर काम कर रही है। ठीक है सर, इसके बाद हम किस तरीके से अपना क्यूआर कोड जनरेट करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप आता है हम लोगों का। सबसे पहले हम लोगों को गूगल जीमेल अकाउंट पर, जीमेल अकाउंट होना चाहिए इसके लिए क्रिएट करने के लिए, और जीमेल अकाउंट क्रिएट करने के बाद हम लोग ड्राइव पे जाएंगे। ड्राइव पे जाने के बाद वहाँ हम लोग चूज करेंगे एक गूगल शीट। गूगल शीट चूज करने के बाद उसको रीनेमिंग कर देना अपने अकॉर्डिंग, कुछ भी, मैं तो क्यूआर कोड लिखता हूँ, आप कुछ भी उसको रीनेम दे दीजिएगा। हम प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे इसका। फर्स्टली वी नीड टू क्रिएट द फोर कॉलम्स, जिसमें हमें सबसे पहले चार कॉलम डिसाइन करने होंगे सर, डोमेन यूआरएल, फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉलम होगा कोड, फिर उसके बाद होगा कंप्लीट यूआरएल, तीसरा होगा क्यूआर कोड। उसके बाद इस तरीके से हम डोमेन यूआरएल में वी हैव टू राइट द डोमेन यूआरएल, क्योंकि एनसीईआरटी जो है वो ई पाठशाला डॉट एनआईसी डॉट इन का, उसका अपना एक डोमेन है जो क्यूआर कोड के साथ मैप है। ये जरूरी नहीं कि हर स्टेट के पास ई पाठशाला, क्योंकि ई पाठशाला तो एनसीईआरटी के पास है, तो आप लोगों का बेसिक डोमेन क्या होगा? आप लोगों को बेसिक डोमेन, बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जैसे कि गोडैडी है, बिग रॉक है, आप उनसे अपना एक वेबसाइट या एक डोमेन नेम उनसे खरीद लीजिएगा, वो आपको बेसिक बेस डोमेन यूआरएल होगा। फिर उसके अलावा वो आपको स्पेस देंगे, कंप्लीट वेबसाइट का प्रोसेस है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं वो कंटेंट रखने के लिए ऑनलाइन एक वेबसाइट, ऑनलाइन एक स्पेस तो आपको चाहिए ही होगा, क्योंकि जब तक ऑनलाइन एड्रेस या ऑनलाइन यूआरएल हम क्यूआर कोड को नहीं देंगे तब तक वो फैच ही नहीं कर पाएगा डेटा। तो हम जनरली ई पाठशाला डॉट एन आई सी डॉट इन को यूज करते हैं। उसके बाद हम चैप्टर्स को एक यूनिक कोड देते हैं, जैसे कि हमने इस बुक का जो यूनिक कोड है वो दिया हुआ है 1064। हम लोग 379 बुक, टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी के पास, हर बुक का एक यूनिक कोड हम लोगों ने प्रोवाइड किया हुआ है। ये बुक है साइंस की जिसका हमने कोड दिया हुआ है 1064, लेकिन इसको हर बुक्स के अंदर बुक के अंदर 15, 10 या 20 या 25 चैप्टर्स होते हैं, तो आप यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो किसी बुक को एक यूनिकली आइडेंटिफाई कीजिए, फिर उसके आगे जैसे ही वो CH01 बनता है तो वो चैप्टर 1 को रिप्रेजेंट करता है, CH02 चैप्टर 2 को रिप्रेजेंट करता है, CH03 चैप्टर 4 को रिप्रेजेंट करता है, इस तरीके से। फिर तीसरा प्रोसेस आता है हम लोगों का कॉनकैटिनेट, यानी कि जो डोमेन यूआरएल के साथ कोड को एक दूसरे के साथ जोड़ दो और एक कंप्लीट यूआरएल बना देगा वो हमारा। फिर ये है हमारा फोर्थ स्टेप आता है क्यूआर कोड। क्यूआर कोड ये है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, QRIC किट हम इसका इस्तेमाल करते हैं, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये ऑनलाइन एक वेबसाइट है जो क्यूआर कोड बनाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, QRICKit.com। इसी की एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस को हमने अपने ई पाठशाला डॉट एन आई सी डॉट इन के साथ फैच किया हुआ है, इसकी API के थ्रू ही हम क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। आप लोग, ये फ्री है, ओपन सोर्स है, आप लोग भी यहाँ से अपनी API जनरेट कर सकते हैं, API ले सकते हैं। हालांकि मैंने API अपनी PPT में भी कॉपी कर दिया है, आप चाहे तो यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। यह है http://qrsite.com/API, और ये पूरा कंप्लीट एक API है जो हम लोगों ने किया हुआ है, आप लोग यहीं से ले लीजिएगा। तो इस लाइब्रेरी का, इसने हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करी है कि ये किस तरीके से QR कोड को आप गूगल शीट के साथ बना सकते हैं। तो चलो हम इसकी डेमोन्स्ट्रेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों को जीमेल अकाउंट ओपन करना है। जिन लोगों के पास जीमेल अकाउंट नहीं है वो जीमेल अकाउंट क्रिएट कर लें। उसके बाद फिर हम लोगों को ड्राइव पे जाना है। इसके बाद हम लोगों को एक गूगल शीट क्रिएट करनी है ब्लैंक। इसको रीनेम कर देना है QR कोड्स।
और अब अपना फर्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं डोमेन यूआरएल, इसके बाद कोड, इसके बाद कंप्लीट यूआरएल, और यहां पर क्यूआर कोड। अब अपना सबसे पहले हम लोग अपना बेस यूआरएल जो कि epaarshala.nic.in को यहां से पूरा कॉपी करेंगे। कॉपी किया और सीधा गूगल शीट के सबसे पहले वाले कॉलम में पेस्ट कर दिया है। इसके बाद सेकंड स्टेप, हम एक यूनिक कोड को वहां पेस्ट करेंगे। यहां से कॉपी किया और जस्ट गूगल शीट में पेस्ट कर दिया है। इसके बाद थर्ड स्टेप, दोनों यूआरएल को कॉन्केटिनेट कर देना है, जोड़ देना है, जो कि गूगल शीट हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कर देती है, कॉन्केटिनेट कॉलम ए टू एंड कॉलम बी टू। जैसे ही हम लोगों ने ये टाइप किया तो उसने कॉलम ए के कंटेंट को और कॉलम बी के कंटेंट को जोड़ दिया है और एक कंप्लीट यूआरएल हम लोगों को दे दिया है। इसके बाद फोर्थ स्टेप आता है, ये हम क्यूआरआईसी किट की एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है जिसको हम अपनी गूगल शीट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। और जैसे ही हमने ये अपनी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यहाँ पे पेस्ट किया, वैसे ही एपीआई ने एक ऑटोमेटिकली एक क्यूआर कोड जनरेट कर दिया है। इसके बाद फिर से हमें अगर चैप्टर टू के लिए क्यूआर कोड क्रिएट करना है, चैप्टर फोर के लिए क्रिएट करना है, चैप्टर फाइव के लिए क्रिएट करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो जस्ट इसको ड्रैग कीजिए आप इस कॉलम को। माना कि हमारे पास 4-10 चैप्टर हैं, तो हमने 10 चैप्टर तक उसको ड्रैग कर दिया है। सेम कॉलम बी को भी हम 10 रो तक ड्रैग Excuse करेंगे। me, sir. सलमान सर, सम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैव रिक्वेस्टेड यू टू रिपीट। इसके बाद फिर हम इस कॉलम को भी रो नंबर 10 तक ड्रैग करेंगे। सलमान सर, इसने ऑटोमेटिकली एक कंप्लीट यूआरएल क्रिएट कर दिया है। इसके बाद सलमान सर, फाइनली नंबर 4 जो कि क्यूआर कोड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, इसको भी हम लोग डायरेक्ट रो नंबर 11 तक या 10 तक ड्रैग करेंगे। सलमान सर, एक्सक्यूज मी सर, सलमान सर, और एपीआई हमारी ऑटोमेटिकली सारे 10 के 10 चैप्टर वाइज क्यूआर कोड जनरेट कर दिए गए हैं। इस तरीके से फिर हम इसको यहां से डाउनलोड करेंगे एज ए पीडीएफ। इसको एक्सपोर्ट करेंगे हम लोग, पीडीएफ डाउनलोड हो रही है। सलमान सर, पूछ रहा है कैन हमसे यू कहाँ प्लीज डाउनलोड होना है, रिपीट? तो उसको जहां भी आपको डाउनलोड करना है, मैंने डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर दिया है, क्यूआर शीट सलमान सर, सेव कर लिया है। इसके बाद कोई भी ऑनलाइन लाइब्रेरी या वेबसाइट्स का आप इस्तेमाल कीजिए जो कि आपको पीडीएफ से पीडीएफ टू इमेजेस सबसे पहले जो हमारा ये है, कोई भी एक वेबसाइट आप चूज कर लीजिए ऑनलाइन, बहुत सारी जो पीडीएफ से इमेज को एक्सट्रैक्ट करने के काम आती हैं, तो हम लोग उसको ब्राउज कर लेते हैं।
हमने डेस्कटॉप किया था, क्यूआर शीट ओपन, क्लिक ऑन एक्सट्रैक्ट इमेजेस एंड गो। ये ILOVE.PDF हम फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है ये इमेज एक्सट्रैक्शन की, जस्ट डाउनलोड कर लीजिए एक्सट्रैक्टेड इमेजेस को, सेव। हम फोल्डर्स कैसे शेयर करें? सलमान सर, कैन यू प्लीज रिपीट? सलमान सर, मुझे बस को पांच मिनट। आगे यहाँ पे हमारा डाउनलोडेड वो इमेजेस हैं, इस पे एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट, क्लिक ऑन एक्सट्रैक्ट ऑल। वो हमसे पूछ रहा है कि कहाँ करना है। मैंने इसको लोकेशन दिया है डेस्कटॉप और उसके फोल्डर का नेम ओपन। और इस तरीके से हमारे 10 के 10 क्यूआर कोड एक्सट्रैक्ट होके हम लोगों को मिल गए हैं। और ये हमेशा यूनिकली आइडेंटिफाइड होंगे, हर क्यूआर कोड के नीचे उसका नाम लिखा होगा, 1064CS01। कैन यू प्लीज रिपीट? चैप्टर वाइज कैटेगराइज होगा। सेकंड वाला इमेजेस आप देखेंगे, ये CS2 के लिए बना हुआ है सलमान सर, ठीक है। इसके अलावा वेट करिए, सलमान सर सारा प्रोसेस रिपीट करेंगे, डोंट वरी। चैट्स में हमने देख लिया है आप लोगों को डिफिकल्टीज हो रही हैं इसके रिगार्डिंग, तो वन बाय वन एक बार प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से और बहुत इजी मेथड में आपको समझा रहे हैं, तो आप बिल्कुल स्टार्टिंग से केयरफुली देखिए और बहुत स्लो चलेंगे, डोंट वरी। आप परेशान मत होइए, जब तक आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं होंगे तब तक हम इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ठीक है। सबसे पहले आपको जीमेल पर जाना, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं पूरा प्रोसेस। gmail.com इसके बाद हमें ड्राइव पर जाना है, या डायरेक्ट यहां से गूगल शीट भी आप चूज कर सकते हो। क्लिक ऑन ड्राइव, क्लिक ऑन न्यू, चूज गूगल शीट एंड क्लिक ऑन ब्लैंक स्प्रेडशीट। ये हमारी एक ब्लैंक स्प्रेडशीट क्रिएट हो चुकी है, इसको रीनेम कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग कुछ भी। मैं इसको क्यूआर कोड दे देता हूँ, क्यूआर कोड 2। इसके बाद हम लोग सबसे पहले कॉलम को हम लिखेंगे डोमेन URL, जो कि हमारा ये पाठशाला.nic.in है। इसके बाद हम लिखेंगे कोड, जो कि हमारा चैप्टर का यूनिक कोड है। इसके बाद हम लिखेंगे कंप्लीट URL। इसके बाद हम लिखेंगे QR कोड। मैं आपको ये पूरी PPT शेयर कर दूंगा, आप लोग देख के कर लीजिएगा उसको। सबसे पहले हमको PPT से मैंने पूरे स्टेप्स लिखे हुए हैं, तो आपका जो भी बेस URL होगा तो आप उसको यहाँ पे कॉपी कर लीजिएगा। जैसे कि हमारा ipaathshala.nic.in है, तो आप यहाँ पे जाएं, पेस्ट कीजिएगा। डोमेन URL हमारा पेस्ट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा वो कोड जो हमारे चैप्टर को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, हम उसको कॉपी करेंगे, के बाद यहां पेस्ट कर देंगे। अब थर्ड स्टेप है, इन दोनों को डोमेन URL और कोड को एक साथ कॉनकैटिनेट करना है,
गूगल शीट हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, फॉर्मूला है कॉनकैटिनेट वाला कि कॉनकैटिनेट कॉलम ए टू कॉलम बी टू। ये कॉलम हमारा ये कंप्लीट दोनों का कंबाइंड हो चुका है। अब फोर्थ स्टेप हम लोगों का है कि हम लोग क्यूआर कोड को कैसे जनरेट करें। तो ये जो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है मैंने लिखा हुआ है, आप बस जस्ट इसको यहाँ से कॉपी कीजिएगा और इसके बाद यहाँ पे इसे पेस्ट कर दीजिएगा। और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जो कि हमें क्यू आर आई सी किट देता है उसने ऑटोमेटिकली एक क्यू आर कोड हम लोगों के लिए जनरेट कर दिया है। इसके बाद हमें चैप्टर टू चैप्टर थ्री और चैप्टर फोर के लिए भी क्यू आर कोड जनरेट करने होंगे। तो हमको दोबारा से इतना लंबा प्रोसेस रिपीट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जस्ट यहाँ से आप लोगों को क्लिक करना है, कॉलम को सेलेक्ट करना है और ड्रैग कर देना है, या मल्टीपल वन बाय वन आप कॉपी भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि कॉपी के मैप इजी वे है ये कि आप ड्रैग कर देंगे वो ऑटोफिल हो जाएगा, वरना तो आप वन बाय वन आप कीजिएगा उसको, कॉपी कर सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं आप। जस्ट यहाँ पे आपको इसको ड्रैग कर दिया, चैप्टर नाइन तक हम लोग बना रहे हैं। इसके बाद सिंपली इसको भी सेम जस्ट ड्रैग कर दीजिएगा और हमारे नौ नौ चैप्टर्स का यूआरएल कॉनकैटिनेट हो चुका है। इसके बाद फाइनल एंड फोर्थ स्टेप जो है हमारा, उसको सिर्फ जस्ट क्लिक करना है और ड्रैग कर देना है। ठीक है सर, इस तरीके से हमारे सारे क्यू आर कोड चैप्टर वाइज जनरेट हो चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम फाइल्स पे जाएंगे, डाउनलोड्स पर क्लिक करेंगे और चूज एज डाउनलोड करेंगे पीडीएफ। अब गूगल शीट हमसे पूछ रहा है कि आपको एक्सपोर्ट करना है, तो हम एक्सपोर्ट करेंगे, डाउनलोड हो चुका है हमारी फाइल्स और मैंने उसको स्टोर किया है अपने डेस्कटॉप पर, और डेस्कटॉप पे स्टोर करने के लिए मैंने उसको सेव कर दिया है। इसके बाद हमें इस पीडीएफ से इमेजेस को एक्सट्रैक्ट करना है, जिसके लिए हमने एक ऑनलाइन वेबसाइट यूज करी थी ilove.pdf, और उसका हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट किसी भी वेबसाइट से आप कर सकते हैं, पीडीएफ टू इमेजेस। क्लिक किया, कन्वर्ट पीडीएफ टू द इमेजेस को क्लिक करेंगे, इसके बाद सेलेक्ट पीडीएफ करेंगे, जो डाउनलोड पीडीएफ हम लोगों ने किया है उसको हम ब्राउज करेंगे, क्यूआर कोड्स टू शीट वन हम लोगों ने ब्राउज किया, क्लिक ओपन किया। इसके बाद हम पेज टू जेपीजी या एक्सट्रैक्ट इमेजेस, हम ऑप्शन नंबर टू सेलेक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट इमेजेस एंड क्लिक ऑन गो। ये ऑनलाइन वेबसाइट्स ने क्रिएट कर दिए हैं, यहाँ से हम लोग फिर इसको डाउनलोड करेंगे। हमसे पूछ रहा है कि आपको कहाँ स्टोर करना है, हमने फिर इसको डेस्कटॉप पे ही स्टोर किया है, सेव करना है, क्लिक ओके ओपन, और हम जस्ट इसको मिनिमाइज करेंगे और मिनिमाइज करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ये फोल्डर डाउनलोड हो गया है, एक्सट्रैक्ट यालो पीडीएफ इमेजेस एक्सट्रैक्टेड वन, इसको हम जस्ट डबल क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑल, हमसे पूछा है कहाँ स्टोर करना है, क्लिक ऑन एक्सट्रैक्ट। तो देखिए हम लोगों के सारे क्यू आर कोड एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं, आप इसको देखिएगा, ये चैप्टर वन के लिए हमारा क्यू आर कोड हुआ है, ये चैप्टर टू के लिए हमारा क्यू आर कोड बन के तैयार हो चुका है, चैप्टर थ्री के लिए भी बन के तैयार हो चुका है, फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन, हमने नाइन चैप्टर्स के लिए क्यू आर कोड क्रिएट करे हैं सेकेंड प्रोसेस में। फर्स्ट वाले में हम लोगों ने 10 क्यू आर कोड जनरेट करे थे। इस तरीके से आप थाउजेंड्स क्यू आर कोड भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है सर, और इसके अलावा
क्यूआर कोड जनरेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू। डाउट एंड क्वेश्चन सर प्लीज। यस सर। मैं इस पूरे प्रोसेस को आपको पूरी कर देता हूँ। जी सर। मैंने पूरे प्रोसेस आपको टेक्स्ट चैट में भेज दिया है। किसी को कोई डाउट ऑन क्वेश्चंस हो तो बताएं। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। सर हेलो, शायद इनको आवाज ही नहीं आ रही है। तो हेलो हेलो कोई क्वेश्चन नहीं है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हेलो सलमान सर, कैन यू हियर अस? यस सर। यस सर, एक्चुअली टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मेरे पास आवाज नहीं आ पा रही थी आप लोगों की। मुझे लगा कि किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं है। सलमान सर, वी हैव लॉट ऑफ सर, एक बार जो पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद बता देंगे मैसेजेस देखा। मैम एक्चुअली पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले हम लोग जब डाउनलोड करेंगे क्लिक ऑन गूगल शीट हम लोगों को प्रोवाइड करता है, क्लिक ऑन डाउनलोड्स हमको चूज करना है एज ए पीडीएफ। पीडीएफ चूज करने के बाद वो ऑटोमेटिकली हमसे पूछेगा कि आपको कहाँ सेव करना है। हम उसको किसी भी फोल्डर में जहाँ पे आप चाहते हैं वहाँ पे उसको ब्राउज करके डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शंस आते हैं कि आप हमको उसको ऑनलाइन एक्सट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि पीडीएफ हमारा एक शीट के अकॉर्डिंग आ गया है। अब उसमें से हमें क्यूआर कोड को एक्सट्रैक्ट करना होगा, जिसकी वजह से हम ऑनलाइन वो दोबारा से। सर एक्सक्यूज मी सर, सर थोड़ा वो स्लाइड पे जाइए जहाँ पर आप बता रहे थे ना यूआरएल डोमेन वाला, वो थोड़ा वहाँ पे कंफ्यूजन है सर। ओके, एक क्वेश्चन पूछना था। जी बताएं सर। जी सर, जैसे ये डोमेन यूआरएल है तो ये सर, जैसे हम कोई भी क्यूआर कोड जनरेट करना चाहते हैं जी सर, तो उसके लिए डोमेन जरूरी है, ये मैं समझ चुका हूँ। हाँ सर। पर हाँ सर, जैसे मैं जनरली कोई कोड जनरेट करना चाहता हूँ, मतलब मैंने कोई कंटेंट बनाया और उसके लिए मैं मतलब क्यूआर कोड जनरेट करना चाहता हूँ, उस समय सर ये डोमेन कहाँ से आए? जैसे कि सर मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे कि हमारे पास यूट्यूब वीडियो है, यूट्यूब का ऑटोमेटिकली हमारे पास वर्चुअल एड्रेस है, हम उसको जस्ट डायरेक्ट कंप्लीट यूआरएल से भी क्रिएट कर सकते हैं, क्यूआर कोड क्रिएट कर सकते हैं वो। लेकिन वो सिंगल होगा, ये मैं बुक्स के लिए आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारी लाइब्रेरीज ऑनलाइन अवेलेबल हैं जो सिंगल क्यूआर कोड के लिए आपको क्यूआर कोड प्रोवाइड करते हैं। इस लाइब्रेरी में सर, भी सर जैसे कोई जर्नल क्यूआर कोड हमें जनरेट करना है तो ये सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं सर? ये क्यू आर आई सी एक्चुअली हम लोगों को ना 379 बुक्स के लिए क्यू आर कोड जनरेट करने पड़ते हैं, तो ये ऑर्गेनाइज्ड वे है सर। किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर को आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास माने कि 300 के करीब बुक्स हैं, हर बुक्स में कम से कम 10 चैप्टर होंगे सर, 3000 कोड का एक यू आर एल आप यूनिकली बनाओगे सर, फिर उसको वन बाई वन आप क्यू आर कोड जनरेट करते रहेंगे। इस प्रोसेस में क्या है, आपने एक बार इस 4 स्टेप्स को कंप्लीट किया, उसके बाद जस्ट 3000 तक उसको ड्रैग कर दिया, आपके पास 3000 क्यू आर कोड जस्ट अ सिंगल क्लिक में अवेलेबल हो गए हैं। जी सर। सर जैसे मैंने मान लिया कोई चैप्टर लिखे मैंने 5,
ठीक है, मैंने खुद से लिखे हैं मतलब जो भी है जी, 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 उसके बाद मैं उन सबका क्यूआर कोड जनरेट करना चाहता हूँ खुद सेल्फ का। जी ओके सर, सर, जी सर। तो यूआरएल यूआरएल कैसे जनरेट करूंगा उनके लिए? यूआरएल आप कैसे जनरेट करेंगे? इसके लिए आपके पास दो दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक तो सर आप अपना डोमेन परचेज कर लें, ठीक है सर, और दूसरा अगर किसी ने कोई आपको ऑनलाइन सर्विस जैसे कि यूट्यूब पे आपको आपने अपने कंटेंट जनरेट करके वीडियोस बना ली, या कहीं आपने जी ब्लॉग रखे हुए हैं, या कहीं वर्चुअली आपने उसको ऑनलाइन रखा हुआ है, वहां से एक यूआरएल आपको मिलेगा जरूर, क्योंकि आप डायरेक्ट उससे एक्सेस कैसे अच्छा करेंगे। अच्छा जैसे गूगल गूगल ड्राइव में रख दिया तो वहां से भी ड्राइव मिल से जाता भी है? आप उस यूआरएल को कॉपी कीजिए, उस यूआरएल जी के जी साथ एक यूआरएल होगा, ठीक है सर, जी उस यूआरएल के अकॉर्डिंग आप एक क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं सर। तो सर तब उसको लिए कोड देना जरूरी होगा? ये कोड तो चलो ठीक है सर, ये भी नहीं सर, कंप्लीट कोड कंप्लीट यूआरएल भी तो सही है सर। हाँ जी कंप्लीट उसके हम बाद सर ये वो क्यूआर कोड जैसे ही लिखा है ना आपने, एक क्यूआर ये आईसी किट है जो है ना, जी जी तो सर, ये जी सर। इसका ये वहां से जो ये वेबसाइट है वहां से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना पड़ेगा सर एक्चुअली मैंने तो क्यूआर आपको कोड दे का? दिया ऐड है सर कॉपी फोर्थ करके, बस आपको स्टेप। यही है जी सर, सेम आपको कॉपी करना है, मैं आपको चैट में भी भेज दिया है और हम लोग आपके साथ पीपीटी भी शेयर कर देंगे, आपको सिर्फ यही प्रोसेस यही लाइन जो लिखा हुआ है क्यूआर कोड का आपको अपने कॉलम में जाके पेस्ट कर देना है, वो ऑटोमेटिकली आपका क्यूआर कोड जनरेट कर देगा, आपको क्यूआर आईसी किट के कुछ अच्छा नहीं अच्छा करना है ठीक है ठीक है समझ गया सर, ये सर। सेम लिख के भेज देना है, ये एक्सेल शीट का फॉर्मूला होगा। ठीक। जी सर, सर एक जी सर ओके ऑब्जर्वेशन सर, सर, एक सबमिशन यस मैं मैम, सर मुझे बताइए सर, हम यूट्यूब का यूआरएल मतलब क्यूआर कोड को जनरेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं सर, ठीक है सर, फिर सर चलो कोई प्लीज थैंक यू। एक यूट्यूब का एक यहाँ करके दिखा देंगे तो कैसे होगा, एक बार अगर आप करके दिखाएं सर, ठीक है कोई भी मैं कर देता हूँ सर, मैं कर देता हूँ। सर। ये फोर्थ ओके स्टेप ओके नहीं हो ओके पा रहा है, सर, एक बार प्लीज रिपीट कर दोगे फोर्थ स्टेप वाले को? ये क्या सर जो फोर्थ स्टेप आपने रिपीट किया था क्यूआर कोड, 3 स्टेप तक तो आ गया, मैंने डेमो करके देखा, लेकिन फोर्थ स्टेप में पेस्ट नहीं हो पा रहा सर वो। सर पेस्ट तो नॉर्मल जिस तरीके से आपने ऊपर की 3 पेस्ट किए हैं सिमिलरली वही पेस्ट का, कोई मैकेनिज्म अलग तो है नहीं, जस्ट कॉपी कीजिए आप सर, हो तो सकता है आप मैं करके दिखाऊं सर आपको। हाँ सर बिल्कुल ठीक है सर, मैं आपको दोनों प्रोसेस दिखा देता हूँ, एक सिंगल क्यूआर कोड के साथ भी यूआरएल के साथ भी करवा देता हूँ, और सर वैसे भी आपको मैं क्रिएट करके दिखा देता हूँ। आपको जस्ट चूज करना है सर गूगल शीट, पूरा प्रोसेस रिपीट करता हूँ एक बार और। आप कुछ भी यहाँ पे नाम दे दीजिए, सबसे पहले हमको डोमेन जो कि बेसिक डोमेन रहेगा, डोमेन यूआरएल, इसके बाद हमारा कोड रहेगा सर जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई होगा चैप्टर के लिए, इसके बाद हमारा कंप्लीट यूआरएल रहेगा सर, इसके बाद क्यूआर कोड्स, हमें सिर्फ जस्ट अपना बेस डोमेन यूआरएल लेना है सर। अभी YouTube में नहीं ले सकते मैम सर अभी? सर सर मैं YouTube का भी बताऊंगा, पहले मैं एक बार इस प्रोसेस को रिपीट कर दूं, उसके बाद कोड कॉपी कर लेंगे हम लोग, उसके बाद दोनों यूआरएल को कॉन्केटिनेट कर देंगे, एंड फोर्थ
हमने पूरा कॉपी किया सर, यहाँ पर पेस्ट कर दिया सर उसको। हमारा क्यूआर कोड बन के तैयार हो गया सर। इसके बाद हम इसके मल्टीपल क्यूआर कोड्स बना सकते हैं अलग अलग चैप्टर्स के लिए। इसको ड्रैग करेंगे और जस्ट इसको भी ड्रैग करेंगे। ठीक है सर, यहां तक सब क्लियर है सर? एक्सक्यूज मी सर। नमस्कार सर, एक बार जो सी से डी पे गए हैं प्लीज रिपीट करेंगे एक बार? सर जब सी से डी पे गए हैं करता हूं तो ये आ रहा सर। हां सी से डी पे गए हैं सर, तो पेस्ट फॉर्मेट ओनली स्प्लिट टेक्स्ट टू कॉलम, ये तीन आते सर, पेस्ट नहीं होता फिर भी सर। जो आप डी पे पेस्ट करते हो ना फाइनली वहां से कॉपी, उसको सर एक बार जो हमारे जो चैट बॉक्स है वहां पे इस कोड को जो है आप पेस्ट कर दो ताकि हम वहां से कॉपी कर लें। ठीक है, ओके ओके ओके। सलमान सर, जो जो डी में आपने कॉपी किया है लिंक, इट इज जनरेटेड बाय यूजिंग क्यूआर आईसी किट वेबसाइट? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ओके ओके सर, मैंने पेस्ट कर दिया है चैट में वो फोर्थ कॉलम का। ओके सर, थैंक यू सर। इसमें जो आपने एक्सट्रैक्ट किया था क्यूआर कोड फ्रॉम पीडीएफ टू इमेज, हाँ सर, हाँ सर, सर उसमें थोड़ा आप रिपीट कर पाए तो प्लीज। मैं एक बार आप सबसे पहले आपको डाउनलोड करना होगा सर, चूज करना है हमको पीडीएफ, एक्सपोर्ट करना है सर। सर बाकी सारे स्टेप्स तो लगभग हो जाते हैं जो आप ना क्यू आर आई सी के आई टी जो वहां से जो करते हो ना, ये जो प्रोसीजर आप इमेज का और प्लस ये बनाते हो, आप तो अभी पीपीटी से कॉपी करके पेस्ट कर रहे हो ना स्प्रेडशीट में, बट इसको बनाते आप कैसे हो ये थोड़ा सा अगर बता देते तो ज्यादा बेहतर था सर। हम इसको बनाते कैसे हैं एक्चुअली सर? हाँ, ये यूआरएल फिक्स है, मैं आपको इसकी पूरी मैकेनिज्म समझा देता हूं। ये यहां तक https qrict.com api.qr सर, ये उसका एक यूनिफॉर्मली यूआरएल है जो qric किट हम लोगों को प्रोवाइड करता है सर। इसके बाद ये कॉलम b7 है, जो ये b7 यहां पे है, ये जो इसको टेक्स्ट आएगा ये सब लोग सर मैंने कंप्लीट बनाया हुआ है, ये सिर्फ आपको जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करना है सर। जो सर आपने बनाया है ना आप एक बार इसको मैन्युअली बना के बताएं बस, बाकी लगभग जो है पता चल गया हमें क्या करते हैं सर। एक्चुअली दीज आर एक्सेल फार्मूलास दैट आर बीइंग यूज्ड इन दिस गूगल शीट और वो एक्सट्रैक्ट करता है। एक्जेक्टली ये एक्सेल फार्मूला ही है तभी बोल रहा हूं सर, क्यूआर आईसी किट से ये एक्सट्रैक्ट करके क्यूआर कोड वहां पे ला रहा है। बाकी मैंने आपको चैट में भेज दिया है पूरा एड्रेस भेज दिया है सर। सर वो एक्सट्रैक्शन वाला पॉइंट रह गया था, अब इमेज तो और कैसे आप एक्सट्रैक्ट करते हो वो बीच में कट गया, आप कर रहे थे तो सर अभी भी ये तीन ऑप्शन मांग रहा है, पेस्ट ओनली वैल्यू, पेस्ट फॉर्मेट ओनली एंड स्प्लिट टेक्स्ट टू कॉलम्स, तो इसमें क्या करें सर? स्क्रिप्ट टेक्स्ट टू कॉलम कीजिए सर। ठीक है सर, हो गया, बन गया है सर। अब पेस्ट करना पड़ेगा वैसे ये ऑप्शन मांगता नहीं है सर। जी सर, हेलो सर, हजार हुआ नहीं सर अभी भी सर, कहीं ना कहीं आप कॉपी करने में उसको मिस्टेक हो रहा होगा सर। सर अगर ये पेस्ट एज फॉर्मल लेके मेरे ख्याल से वैसे इजी हो जाएगा। कॉपी कर दिया सर, हाँ सर, और हाँ यहाँ पर जब मैं पेस्ट एज फॉर्मूला अगर करते थे क्या करें सर? आप अपना स्क्रीन शेयर कर दीजिए एक बार, एक सेकंड सर। एक सेकंड सर,
ये देखिए सर, यहां से जब मैं पेस्ट करता हूँ, ये कॉपी कर दिया मैंने, ये कॉपी किया और यहाँ पेस्ट करना हूँ सर, ये पेस्ट पेस्ट करें पेस्ट करें ऐसे विजिबल नहीं है सर हम लोगों को, आप स्क्रीन शेयर कीजिए कंप्लीट ताकि हम लोग देख पाए। एक्चुअल में मैं पीसी में कर रहा हूँ सर, और ये मैं अपने मोबाइल में मैंने आपको जूम मीटिंग को ऐड किया हुआ है सर। हम लोगों को कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली सर अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है आप कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक कर रहे हैं सर, कोई टेक्स्ट कॉपी होने में कहीं ना कहीं कुछ कॉलम कुछ छूट रहा है सर, वो हो जाएगा जनरली। और गूगल शीट ऐसे कहीं मांगता नहीं है कि तीन ऑप्शन वो दे रहा है, जब हम कॉपी और पेस्ट करते हैं तो वो नॉर्मली एज ए टेक्स्ट लेके उसको पेस्ट कर देता है।